नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीबीआर स्टडी। आपकी एक नई क्लास शुरू हो चुकी है। आ जाओ भाई, सभी लोग फटाफट, तुरंत, जल्दी से आ जाओ सभी लोग। एकदम क्लियर आ रहा है ना क्वालिटी? जल्दी से क्वालिटी चेंज कर लें, अगर कुछ गड़बड़ है तो बिल्कुल मस्त दिखेगा बाबू। कोई टेंशन नहीं लेना, एकदम क्लियर दिखेगा, फुल एचडी क्वालिटी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो सवाल दिख रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। घातांक पर आधारित है और है ये भिन्न का सवाल। दो सही एक बटा चार, आप सभी जानते हैं जो सही बटा के रूप में लिखा होता है वो भिन्न क्या होती हैं? मिश्र भिन्न कहलाती है ना। तो मिश्र भिन्न है ना ये, जैसे ये लिखा है 9/4, इसे हम लिख सकते हैं 2 सही 1/4 है ना। ऐसे तो करते हैं, 4 × 2 = 8 = 9, समझ रहे ना। तो ये 9/4 का ही रूप है लिखा गया है, जो अजीब सा। तो बिल्कुल नहीं घबराना भाई, टेंशन नहीं लेना। हम 4 × 2 = 8 = 9/4 इसे कर सकते हैं। 1/2 लगा था वैसे लिख दिया, प्लस की जगह पे प्लस, 27 को वैसे, -2/3 वैसे लिख दिया। आगे देखिए, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 है ना, और 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2, यानी कि 3/2 हम लिख सकते हैं 9/4 को और घात 2 लगा के। ऐसे देखिए, ये भाई 3/2 × 3/2 अगर हम करेंगे तो ये 9/4 आएगा ना, आएगा ना। तो ये 2 बार शामिल है, इसलिए हम इसकी 2 घात लगा सकते हैं, और 1/2 घात जो बाहर से लगी थी इसको भी हम इसी में लगा लेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत है तो आसान लेकिन थोड़ा सा अजीब सा है। बीच में प्लस था तो प्लस लगा दिए। नहीं समझ में आएगा वीडियो को पीछे करके देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं ना, 3 × 3 = 9 × 3 = 27। तो भाई ये 3 बार शामिल है तो हम 3 की घात 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब हम 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3 है ना, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब आप एक ब्रेकेट और बंद कर दीजिए, बाहर की जो घात थी ना -2/3 उसको भी वैसे लगा दें, हो गया क्लियर। आगे चलें, घातों घातों का हो जाएगा गुणा। जानते हैं घातांक का नियम ना आप लोग? नहीं जानते तो बताइएगा। ये 3/2, इसकी घात क्या है? ये 2 है, और फिर गुणा 1/2, बीच में धन था तो धन हो गया, और ये 3 की घातें क्या है? 3, और फिर गुणे में क्या हो जाएगा जो ऊपर है, ये -2/3। समझ में आई बात ना, बस सिंपल सा है इसको। लेकिन आप कुछ ऐसा लिखिए, ऐसा लिखिए कुछ जिससे आपको समझ में आए, दिक्कत ना हो, ये -2/3। अब देखिए एक बात, अगर कहीं आपको ऐसे मिलता है, कैसे, वही तो मैं बता रहा हूं कैसे, ये ऐसे अगर आपको कहीं ऐसे मिलता है तो बहुत आसान है ना, ये आसान है ना, वेरी सिंपल सा है। कैसे देखिए, इसमें आप काट सकते हैं 2 से 2। क्यों काट सकते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। अगर गुणा करेंगे तो 2 का 1 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2/2 है ना, काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इतना तिकड़म करने से अच्छा है यही काट दो ना भाई, कोई चीज जो बुरा है वो उपज नहीं ना पाए, है ना, आसान। तो वैसे इसको काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे। ध्यान दें, ये 2 नीचे नहीं है, इसे कुछ ऐसे लिख लें जिनको कंफ्यूज हो रहा हो। ये 2 जो है, एक ऊपर है एक नीचे है, ऐसे है ये 2 × 1/2, कुछ इस तरह से है। 2 का 2 में गुणा नहीं था, 2 का गुणा 1 में था। अब ये 2 से 2 कट गया, यहां आपका ये 3 से 3 कट गया। अब क्या बचा नीचे देखिएगा, 3/2 इसकी घाते ये कट गया तो 1 बचा, और धन ये 3, इसकी घाते क्या बचा? -2। समझ गए ना, तो जल्दी से इसको नोट करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। नीचे नहीं दिख रहा तो हम दिखा देते हैं, बिल्कुल ना हो परेशान, बिल्कुल ना हो हैरान। अब ध्यान दीजिएगा आगे कैसे करेंगे। देखिए, 3/2 की घाते 1 आया है ना, और प्लस 3 की घाते -2, उसको ऐसे हम लिख लेंगे, और हम 3 के नीचे 1 छिपा सकते हैं ना, छिपा सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, यहां पर 1 छिपा लिया। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर कहीं a/b की घात -n है तो उसे क्या करते हैं, उस भिन्न को पलट देते हैं अगर घात माइनस होती है तो। ये आपका फार्मूला होता है, ये जो हमने लिखा है, ठीक है। तो यहां भी घात क्या है? माइनस है, तो भिन्न पलट जाएगी और घात वही हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, एक घात का कोई मतलब नहीं, वो उतना हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये हो जाएगा 1/3, देखिए जो 3/1 था ना वो पलट जाएगा 1/3,
और घात जो थी वही रहेगी, घात दो थी ना, तो ये घात दो ही रहेगी बट ये प्लस में हो जाएगी घात। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो घात लगा है, ये दो दो है ठीक है। नीचे चलेंगे तो ये तीन बटा दो और ये धन, एक की घात दो का मतलब एक है हुआ, तीन की घात दो का मतलब हो गया नौ। बस यही तो हल करना था ना। आगे आपका फ्रैक्शन, अब तो सभी लोग जोड़ लेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर लो भाई या फिर ले लो एलसीएम। तो ये नौ तरीक सत्ताईस, ये हो गया सत्ताईस, और धन दो एकम दो, ये हो गया दो, और दो तीन नौ दो नवा अठारह, ये हो गया अठारह। ये देखिए ना, आ तो गया ना आपका कितना, 29 बटा 18। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है जो कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। तो देखिएगा अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताएं आप लोग क्या होगा, इसका आंसर दें। उसके पहले हम आपको बता दें, अगर आप गणित के सिवा पर्यावरण, बाल विकास, मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और भी सभी विषय पढ़ना चाहते हैं तो पीबीआर स्टडी को अनअकैडमी पर अवश्य फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। किसी प्रकार की सुझाव, शिकायत अथवा कंप्लेन के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अधेश सर आपको सारे प्रश्नों का जवाब देंगे, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी, कृपया धैर्य बनाए रखें। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए गुणा करने में क्या करते हैं, सिंपल का गुणा करते हैं, जैसे 0.4 0.5 है ना, ये आप भूल जाइए कि दशमलव लगा है। जब आप भूल जाएंगे कि दशमलव लगा है तो क्या होगा, चार का गुणा पांच में होगा, यही तो होगा ना। तो चार का गुणा पांच में तो आप लोग कर लेंगे, एकदम बहुत आसान है, बिल्कुल एकदम हलवा की तरह है ना, समझ रहे ना, हो गया ना। लेकिन दशमलव को आप ऐसे भूल नहीं सकते आसानी से, मुश्किल है भूलना भाई। तो क्या करेंगे, अब आप देखेंगे फिर से याद करेंगे, गुणा कर लिया ना अपना काम हो गया बस, लेकिन याद करेंगे फिर से। एक अंक पर दशमलव यहां है, एक अंक पर यहां है, एक एक दो होता है ना, दो अंक गिन लो इसमें भाई, एक दो, और वहीं पे लगा दो दशमलव, समझ गए ना। यहां पे चाहे आगे जीरो लगा लीजिए या ना लगाइए, लगाया क्यों जाता है देखिए, अगर कहीं आपने 0.20 ऐसे लिखा है और यहां कहीं डाट वाट कुछ पेपर हल्का गंदा है तो अगला नहीं समझ पाएगा कि आपने क्या लगाया है, यहाँ पे दशमलव लगाया है, समझ रहे ना, आपका आंसर गलत हो सकता है। लेकिन अगर आपने कहीं ऐसे लिखा है तो चाहे कितना भी डाट बिंदी लगा हो अगल बगल, देखने वाला जरूर जान जाएगा कि हाँ इसके बीच में अगर पूछा तो इसका मतलब क्या है, दशमलव है, समझ गए ना, इसलिए लगाया जाता है ठीक है। तो बस अब आप लोग जान गए होंगे इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी वाला सही, इसको नोट कर लें और फिर हम पढ़ते हैं अगला सवाल पर। आप लोग सारा क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए, प्लेलिस्ट से जाके सभी क्लास देख लीजिए, पेपर एकदम मस्त जाएगा क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगला सवाल आपके सामने है मित्रों, 16 के अपवर्तक हैं, 16 के अपवर्तक कौन कौन हैं? देखिए सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि अपवर्तक मतलब क्या होता है। अपवर्तक मतलब होता है दूसरे शब्दों में गुणनखंड, और गुणनखंड को इंग्लिश लैंग्वेज में बोले तो फैक्टर बोलते हैं, समझ रहे ना। जैसे देखें इधर अगर 16 के अपवर्तक की बात हो रही है तो 16 किन किन संख्याओं से पूरी तरह कट जाएगा, वही क्या है, इसके अपवर्तक है, समझ रहे ना, समझ रहे ना। मतलब आपके जितने भी भाई बहन हैं वही क्या है, आपके भाई बहन है, समझ रहे। तो बस ऐसे इसको जान लीजिए कि ये जिससे जिससे पूरा तरह से कट जाएगा वही क्या है, 16 का अपवर्तक है। तो देखिए 16 किससे किससे पूरी तरह कटेगा, शेष फल जीरो आए, एक से कट जाएगा, दो से कट जाएगा, दो अठे 16, तीन से बिल्कुल नहीं कटेगा, चार से कट जाएगा, पांच 6 7 नहीं कटेगा, आठ से भी कट जाएगा, फिर 9 10 11 12 13 14 15 से नहीं कटेगा, 16 से कट जाएगा। इस तरह से 16 के अपवर्तक कौन कौन है, 1 2 4 8 16। कोई ऑप्शन है इनमें से मिलने वाला? देखिए पहला तो बिल्कुल गलत है क्योंकि 5 कहीं होगा नहीं इसमें, दूसरा 2 4 6 8 ये भी गलत है। अब आप कहेंगे क्यों गलत है, क्योंकि इसमें जो ये 6 है ना ये गड़बड़ कर रहा है, 6 नहीं होता है। ये देखिए 2 4 8 1, इसमें 16 तो नहीं है लेकिन जो भी है वो सही है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो गया। तो इसे जल्दी से नोट कर लें, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। दोस्तों इस क्लास को लाइक अवश्य करिएगा, अभी तुरंत कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें, अगली क्लास जरूर देखिएगा। किसी प्रकार की सुझाव, शिकायत अथवा इंक्वायरी के लिए निसंकोच व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा दोस्तों, बिंदु और रेखा क्या होती है, ध्यान दीजिएगा इसको हम देखेंगे। लेकिन इसके पहले आपको बता दें, अभी आपकी डीएलएड की क्लास
पॉसिबल होगा अगर तो रात्रि 11 बजे से फिर से होगी लाइव, ठीक है? तो रात 11 बजे से लाइव आप लोग देखिएगा, रेडी रहिएगा रात्रि 11 बजे से, ठीक है? वैसे तो एग्जाम है फिलहाल, आप लोग को सोना चाहिए आज, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं तो देख लीजिएगा एक घंटा दो घंटा की क्लास। देखिए बिंदु क्या होती है, पॉइंट, एक ऐसी आकृति जिसकी कोई लंबाई ऊंचाई या चौड़ाई ना हो वो बिंदु कहलाती है। जैसे हमने ऐसे कहीं लगा दिया, ये क्या है, एक बिंदु है। ऐसे रख दिया, क्या है, एक बिंदु है। अगर इसको नापे लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई तो कुछ है, कुछ नहीं होता है, ठीक है? अगर आपके पेपर में आ गया तो आप ऐसे लिख देंगे, एक ऐसी आकृति जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी नहीं होती है उसे बिंदु कहते हैं। अगला है रेखा। रेखा किसे कहते हैं? रेखा और रेखाखंड में अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? दो बिंदुओं को एक नुकीली पेंसिल से सीधी मिलाने वाली आकृति को रेखा कहते हैं। आकृति बोलेंगे ना भाई, जो कुछ अगर दिख रहा है तो आकृति ही तो है वो। तो दो बिंदु मान लेते हैं, ये हैं दो बिंदु, इन्हें एक नुकीली पेंसिल से, एक नुकीली पेंसिल से ये मिलाने वाली आकृति को क्या बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं, जो कि दोनों तरफ को बढ़ती है, दोनों तरफ को। अगर आप ऐसे लगा देंगे तो ये रेखा नहीं हुई, ये क्या हो गई, ये किरण हो गई। किरण है, किरण जो कि एक ही दिशा में जाती है, दोनों तरफ नहीं जाती, लेकिन रेखा दोनों तरफ जाती है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, ये किरण है, और ये क्या है, रेखा है। अगर पेपर में चित्र बनाने को आ गया तो आप इसको ऐसे बनाएंगे दोनों तरफ को, समझ रहे ना? हो गया ये, आगे चलें। अगला बात करते हैं हम लोग रेखाखंड की। तो रेखाखंड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड, रेखाखंड को इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। तो भाई ये लाइन सेगमेंट क्या होता है, जैसे आपने पढ़ लिया रेखा ना, रेखा के कटे हुए भाग को रेखाखंड बोलते हैं। खंड मतलब जानते हैं ना, एक भाग ना, मतलब रेखा के जो कटा हुआ कोई टुकड़ा हो उसे रेखाखंड बोलते हैं। जैसे ये है रेखा, रेखा में दोनों तरफ नुकीला होता है पेंसिल का तरफ, ठीक ना? रेखाखंड में किसी तरफ नहीं होता है। अगर आप एक तरफ लगा दिए, ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक तरफ एरो लगा दिए तो ये ना तो रेखा हुआ ना रेखाखंड हुआ, ये हो जाएगा किरण। ध्यान दीजिएगा इन चित्रों को बहुत ध्यान से, अगर एक तरफ लगा दिए तो किरण हो गया, दोनों तरफ लगा दिए तो रेखा रेखा हो गया, अगर एको तरफ से मिटा दिए एरो दोनों तरफ से तो रेखाखंड हो गया। जैसे रेखाखंड एबी को एबी के ऊपर ऐसे लाइन खींचकर दिखाया जाता है, अगर पीक्यू को दिखाना है तो ऐसे दिखाएंगे। रेखाखंड पीक्यू मतलब ये, इसे क्या पढ़ेंगे, रेखाखंड पीक्यू, समझ गए ना? अब ये रेखाएं जो है कई प्रकार की होती हैं, है ना? तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे रात्रि में 11 बजे से क्लास देखिएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो जरूर हम दिखाएंगे रात्रि 11 बजे से रेखा और रेखा के भाग और भी महत्वपूर्ण टॉपिक। तो मित्रों ये क्लास जो है यहीं पर समाप्त होगी। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। पीवीआर स्टडी परिवार को 40,000 होने पर आप सभी को एक बार फिर से बधाई। और हाँ, इसी तरह से वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, उन्हें भी इस काम के वीडियो को मिलाइए। और पीवीआर स्टडी को व्हाट्सएप ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम अनअकैडमी हर जगह फॉलो करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एक बार फिर से। इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हाँ, करें कुछ ऐसा कि लोग करने चाहें आपके जैसा, इसलिए कुछ अच्छा काम करें। धन्यवाद।